आज हम टॉपिक कर रहे हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम डेटा को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो टेबल कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स सब हेडिंग्स क्या क्या होना चाहिए। देखो कैसे है, मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक उसका स्पेसिमन की टेबल मतलब कैसे होती है। देखो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतने ही जितने मैं कॉलम बना रहा हूं उतने ही कॉलम होंगे, कॉलम इससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं। जैसे ये बना दिया, अब इसमें मैं तीन कॉलम बनाए, आप ज्यादा भी बना सकते हो। तो इस टाइप की टेबल होती है जिसके अंदर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। कई बार हम स्टैट्स में जब क्वेश्चन करते हैं तो टेबल बनाते हैं पहले, फिर उसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। तो ये एक टेबल है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे ऊपर लिखा होता है टेबल नंबर, क्योंकि हो सकता है जो डेटा हमने इकट्ठा किया और जो डेटा हम इस टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसी कई टेबल्स बनी हो, इसलिए टेबल नंबर लिखना जरूरी है। फिर यहां पर टाइटल लिखा जाता है कि ये जो डेटा है ये किससे रिलेटेड है, वो टाइटल होता है। उसके बाद यहां पर होती है हेडिंग कि इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि मान लिया हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेडिंग है, ठीक है। फिर इसके नीचे हो सकता है सब हेडिंग हो, जरूरी नहीं है, ये सब हेडिंग्स हो भी सकती हैं, यहां भी सब हेडिंग्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर है तो डाल दो नहीं तो कोई बात नहीं। ये सब हेडिंग्स और ये तीन की जगह चार पांच छह सात भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया, इसे हम कॉलम हेडिंग बोल देते हैं, कॉलम हेडिंग, ठीक है। इसे हम कॉलम हेडिंग्स और इसे हम कैप्शन भी बोल देते हैं, कैप्शन, ठीक है। और जो इधर भी हेडिंग होती है, जैसे कि इधर मान लिया मेल फीमेल किड्स इस टाइप से है, तो ये वाली जो हेडिंग्स है, एक तो इधर हेडिंग हो गई, ठीक है, जैसे रूरल अर्बन ऐसे हो गया, वो तो हो गई कॉलम हेडिंग कैप्शन सब हेडिंग्स। इधर जो हेडिंग्स होती है उसे हम बोलते हैं स्टब्स, STUBS स्टब्स, मतलब ये जो रॉ है, ये जो रॉ बनेगी है उसकी हेडिंग, रॉ हेडिंग, ठीक है। फिर कैप्शन, ये स्टब्स। अब यहां बीच में हम सारा डेटा डालेंगे ना कि मेल फीमेल इतनी है, किड्स इतने हैं, अर्बन एरिया में इतने हैं, रूरल एरिया में इतने हैं, ठीक है, इतने वर्किंग है नॉट वर्किंग है, तो ये यहां पे सारा डेटा लिखा जाता है। इससे बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। यहां पर भी कई बार वैल्यूज आ जाती है कई बार, और यहां पर लिखा जाता है यूनिट्स। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं कि टेबल हम नंबर्स का ही बनाते हैं, कई बार हम टेबल बना रहे हैं कि कितने हमने बिजली का प्रोडक्शन किया, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इतनी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई, इतनी हमने कोयले से बनाई, तो इस टाइप से अगर डेटा हमारे पास, तो ऑब्वियसली यहां पर जो यूनिट्स होगी वो किलोवाट होगी, ठीक है। अगर हमने यहां पर प्रोडक्शन, हमने व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली ये यूनिट होगी, किलोग्राम्स में होगी। अगर यहां पर हम कोई लिक्विड का डेटा दिखा रहे हैं तो ये यूनिट फिर लीटर्स किलो लीटर्स में होगी, है ना। तो ये यूनिट हो गई। और एक यहां पे नीचे लिखा जाता है सोर्स। सोर्स का मतलब ये जो डेटा है आप लाए कहां से हो, आपने खुद कलेक्ट किया है या किसी मैगजीन से लिया है या गवर्नमेंट से लिया है, तो ये सोर्स लिखा जाता है इस डेटा का। और यहां पे लिखा जाता है फुटनोट। फुटनोट का मतलब कोई ऐसी चीज जो इस टेबल से खुद ब खुद नहीं समझ में आ रही है, वो हमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वो फुटनोट है, ठीक है। मतलब कोई चीज ऐसी जो इस टेबल से खुद ब खुद नहीं पता लग पा रही, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ नोट देना है, तो नीचे फुटनोट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक टेबल में होनी चाहिए। क्या क्या हो गया, नंबर वन टेबल नंबर होना चाहिए, नंबर टू टाइटल होना चाहिए, नंबर थ्री कैप्शन होना चाहिए, नंबर फोर स्टब्स होने चाहिए, नंबर पांच यूनिट्स होनी चाहिए, नंबर छह बॉडी ऑफ द टेबल, नंबर सात सोर्स होना चाहिए, और नंबर आठ फुटनोट। तो ये एक अच्छी टेबल की क्वालिटीज है, उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, तब वो टेबल प्रेजेंटेशन बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है क्या होता है, वो जो टैली मार्क्स किए हैं अभी कभी आपने, जैसे मान लिया कि क्लास में 20 बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए 2, 3, 7, 10 नंबर का टेस्ट है 10, 0, ये 20 बच्चों के मार्क्स है, 10 नंबर का टेस्ट हुआ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आपको किया है आपने जूनियर क्लासेस में,
जैसे कि 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, ये 2 किस में आएगा, इसमें, फिर 3 इसमें आएगा, फिर ये 7 ये इसमें आएगा, 10 इसमें आएगा, 0 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, 3 ये इसमें आ गया, 10 ये टेलीवर्स लगाते थे ना, तो यही तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कर लो क्या ना, ये तो आपको आता ही होगा। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप करते थे, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद बार्स जितने भी आपने वो टैली की बार्स लगाई है, फिर उसको लिखते थे, वो फ्रीक्वेंसी बनती थी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाइप का होता है, एक यूनिवेरिएट, एक बाय वेरिएट। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बनाया था ना, 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना दिए, 2, 6, 8, 9, 2, ऐसे। तो ये तो हो गया यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब है सिंगल वेरिएबल। ऐसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं, उसे कहते हैं बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं। वैसे ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 4 टू 6, 6 टू 8 और 8 टू 10, और इधर भी होता है, जैसे कि रेंज क्या होती है, जैसे कि 0 टू 10, 10 टू 20, 20 30, 30 टू 40, 40 टू 50। तो यहां पर रेंज क्या है, ये जो सबसे कम वाला और ये सबसे ज्यादा वाला, इनका जो डिफरेंस है वो इसकी रेंज है, यानी कि 50 माइनस 0, 50 रेंज है। अगर ये 2 टू 10, 10 20 ऐसा होता तो रेंज कितनी होती, 50 माइनस 2, 48। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर क्लास लिमिट्स तो मालूम ही होगा आपको, क्लास लिमिट्स ये होती है लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट होती है जो ये वाली है, ये लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, और एक होती है अपर क्लास लिमिट, ये वाली जो है अपर क्लास लिमिट है, मालूम है आपको। अच्छा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी मालूम है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो 2, 2 टू 10 है ना, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 2 और 10 को प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड, यानी कि 6 है ना, तो मिड पॉइंट 6 आ गया, यानी कि दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट आ जाता है। और एक है कि रॉ डेटा क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, रॉ डेटा मतलब अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड जो डेटा होता है उसे रॉ डेटा बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि एक बहुत बड़ी भीड़ है आपके पास इकट्ठी हुई हुई है, तो वो रॉ डेटा है, आप उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, फिर आपने उसको लाइंस बनवा दी, मेल की अलग, फीमेल की अलग, किड्स की अलग, तो इस तरह से उस डेटा को आपने क्लासिफाई कर दिया, तब आप उसको एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंस कंपेयर बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब तक आपने क्लासिफाई नहीं किया तब तक वो रॉ डेटा है, ठीक है, अनक्लासिफाइड डेटा कहते हैं उसे। और 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं आप, तो वहां पे मतलब इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं, जो डेटा होता है, मतलब इसके अंदर दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।